सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लंबे समय के बाद वीडियो आज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। कोशिश है कि अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों को देता रहूं। अगर हम बात करें मार्च में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, तो कुछ डेटा काफ़ी ऊपर नीचे हुए हैं। अगर मैं खासकर बात करूं स्कोडा की, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया में। इसकी गाड़ियां लोग बाग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और एक के बाद एक कस्टमर इसके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिसके कस्टमर्स लगातार नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मार्च के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं। सबसे लास्ट मतलब कि 13th पोजीशन पर है हमेशा की तरह सिट्रन, जिसने सिर्फ 52 गाड़ियां ही बेच पाई हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। अब यार हाल फिलहाल इनकी सिर्फ एक ही गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो उसकी बिक्री इतनी होना ही स्वाभाविक है। आगे बढ़ें तो 12th पोजीशन पर है निसान। निसान की बिक्री लगभग पिछले काफ़ी महीनों से मैग्नाइट के लॉन्च होने के बाद खासकर काफ़ी अच्छी है और पहले से ज़्यादा इम्प्रूव लगातार होती ही चले जा रही है। लेकिन मार्च की बात करें तो इसमें इसकी बिक्री थोड़ी कम रह गई है, सिर्फ 3,007 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जबकि आमतौर पर 4,000 से 5,000 गाड़ियाँ निसान काफ़ी आराम से बेच लेता है। 11th पोजीशन पर है फॉक्स वैगन। इस कंपनी ने 3,672 गाड़ियां बेची हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। कई सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन पोलो इंडिया में आएगी, लेकिन ऑफिशियली फॉक्स वैगन ने मना कर दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन पोलो इंडिया में नहीं आने वाली है। जिस तरह से वेंटो डिसकंटिन्यू हो गई है, उसी तरह से जल्दी ही पोलो भी डिसकंटिन्यू हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने टोटल 4,721 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। एक समय था जब इसकी हेक्टर गाड़ी की सेल्स अकेली इतनी थी 4,000 से 5,000 यूनिट्स हर महीने, लेकिन अब मॉरिस गैराजेस के 4 से 5 प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं और उसकी बिक्री काफ़ी कम हो गई है। इस समय तो ग्लॉस्टर है, एस्टर है इलेक्ट्रिक में और उसमें भी पेट्रोल में भी, मतलब इलेक्ट्रिक में भले उसका नाम अलग है लेकिन है तो वो एस्टर ही। इसके अलावा हेक्टर और हेक्टर प्लस का 7-सीटर वर्जन भी अवेलेबल है, 6-सीटर भी है। उसके बाद जाके टोटल सभी गाड़ियों की बिक्री 5,000 को क्रॉस भी नहीं कर पा रही है। और ये कोई सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों का डेटा अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको 5,000 से नीचे ही बिक्री दिखेगी। और अब बात कर लेते हैं 9th पोजीशन पर बैठी हुई स्कोडा के बारे में। तो इस कंपनी ने मार्च में काफ़ी ज़बरदस्त बिक्री करी है, 5,608 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस कंपनी की गाड़ियां कितनी बिकती थी, मुश्किल से 1,000 या 1,500 यूनिट बिक पाती थी, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री 5,500 के आसपास हुई है। मतलब कि अगर मैं पिछले साल 2021 के मार्च की बात करूं ना, तो इस कंपनी की 384% ग्रोथ हुई है। और इतनी ग्रोथ क्यों हुई है, उसके पीछे सिंपल से दो कारण हैं। सबसे पहला स्कोडा कोशैक और दूसरा अभी हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा स्लाविया सेडान। सेडान का तो मुझे नहीं पता कि इसकी बिक्री हर महीने इतनी ही हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि सेडान का मार्केट लगभग इंडिया में ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए कोशैक की, तो ये हर महीने काफ़ी अच्छी सेल्स दिखा रही है स्कोडा की गाड़ी होने के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 6,589 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। ये कंपनी भी धीरे धीरे टोयोटा की तरह इंडिया की मोस्ट आलसी कंपनी बनते चले जा रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर रही है। अभी ले देके इन्होंने अपनी अमेज के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था, जिसकी बिक्री 1-2 महीने तो काफ़ी अच्छी हुई, उसके बाद वापस से पहले जैसी हो गई, मीडियम एवरेज ठीक ठाक। अब कोई नया प्रोडक्ट इनका जो है एक SUV लॉन्च होने वाली है, जो कि होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी। कब लॉन्च होगी कोई खबर नहीं है, 2023 में 2024 में कुछ नहीं पता है। ले देके इनके पास हाल फिलहाल एक ही SUV है, WRV, जो SUV कम और क्रॉसओवर ज़्यादा लगती है। इसके अलावा बिल्कुल भी सेगमेंट के हिसाब से अच्छा पैकेज प्रोवाइड नहीं करती, कम से कम उसको ही अपडेट कर दो बॉस। 7th पोजीशन पर है रेनो, जिसकी 8,518 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। पिछला कुछ समय उठाकर देखा जाए तो रेनो एक से एक गाड़ियां लॉन्च कर रहा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। मेरा मतलब है कि रेनो भी इंडियन मार्केट के कस्टमर्स को समझने लगा है। लेकिन हाल फिलहाल बिक्री की बात करें तो इसकी काफ़ी कम रह गई है, आमतौर पर 12,000 से 15,000 यूनिट्स इसकी बिक जाती हैं, लेकिन इस बार लगभग 8.5 पर ये रह गई है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसकी 17,130 गाड़ियां बिकी हैं मार्च में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी के दो ही अनमोल रतन है इंडिया में, एक का नाम इनोवा है तो दूसरे का नाम फॉर्च्यूनर है। ये कंपनी भी कुन्ने में हाथ पे हाथ धर के चुपचाप बैठी हुई है, जब मन करता है कुछ करने का तो मारुति के शोरूम जाती है, उनकी गाड़ी उठाती है, अपना बैच लगाती है और लॉन्च कर देती है। अभी हाल ही में इन्होंने ग्लांजा के फेसलिफ्ट को लॉन्च करा है। अच्छी बात यह है कि ग्लांजा में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं फ्रंट ग्रिल्स में, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बलेनो से थोड़ा हटकर भी बनाते हैं।
अभी हाल ही में इन्होंने एक पिकअप ट्रक हाइलक्स को लॉन्च करा है, जो करीब आपको 40 से 44 लाख रुपए तक का मिलता है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। अब इसको ओवर प्राइस्ड कहूँ या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी सेगमेंट उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इंडियन मार्केट में, और ना ही इसकी सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी अभी तक है। हाँ, अगर हम इसुजू डी मैक्स की बात करें, जो कि आपको लगभग 24 से 30 लाख रुपए तक का मिल जाता है, तो वो काफ़ी कम प्राइसेस में आपको एक पिकअप ट्रक मिल जाता है, उसमें भी 4x4 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाइलक्स काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। चलिए और ऊपर चलते हैं, तो फिफ्थ पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसकी 22,622 गाड़ियां बिची हैं मार्च में। अब तो लगता है कि किया ने भी मन बना लिया कि यह हमारे लिए फिफ्थ पोजीशन ही ठीक है। एक समय था जब ये तीसरी पोजीशन के लिए टाटा से लड़ रही थी, और अब धीरे धीरे ये महिंद्रा से भी नहीं लड़ पा रही है। अब ये फिफ्थ पर आकर है और वहीं पर ये फिक्स हो गई है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी MUV कैरेंस को लॉन्च किया है, जिसके बाद मुझे लगा कि ये शायद एक आध दो महीने तो कम से कम फोर्थ पोजीशन अचीव कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिफ्थ पर ही है अभी के अभी। और आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसने 27,603 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मार्च के महीने में। हजारों सालों तक लोगों ने इंतजार किया पहले XUV700 का, और अब वापस इंतजार शुरू हो गया है नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का। जिसको देखो उसको बस वो यही जानना चाहता है कि ये स्कॉर्पियो आखिरकार कब लॉन्च होगी भाई। असल में महिंद्रा के पास जो गाड़ियां अवेलेबल हैं वो उन्हीं को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं कस्टमर्स तक। तो नई गाड़ी लॉन्च करके अपने लिए दुविधा और बढ़ाना, मुझे नहीं लगता ये कंपनी ऐसा कुछ चाहेगी। तो स्कॉर्पियो का लॉन्च जहां तक है शायद बहुत लेट हो सकता है, हो सकता है 2023 की स्टार्टिंग में भी चले जाए। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, इस महीने भी इस कंपनी ने काफ़ी दम से बिक्री करी है। इसकी 42,295 गाड़ियां बिकी हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक टाइम था, और वो टाइम कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही महीनों पुरानी बात है, जब टाटा मोटर्स की बिक्री 20,000 या 25,000 के आसपास हुआ करती थी हर महीने। और इस बार आप देख सकते हो कि ये 40,000 को क्रॉस कर चुकी है। अगर मैं पिछले साल के मार्च की बात करूँ तो इसकी बिक्री लगभग 28,000 से 29,000 हुई थी। एक महीना तो ऐसा भी गुजरा था जब टाटा ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अफसोस वो सिर्फ एक ही महीना था, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक तो कि टाटा ने हुंडई को पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन डेटा देखकर ऐसा लगता है कि वापस से ऐसा कभी भी किसी भी महीने हो सकता है। और सेकंड पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसने 44,644 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। तो आप देख सकते हो कि हुंडई और टाटा में कितना बारीक अंतर रह गया है। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि टाटा हुंडई को ओवरटेक कर ले। और अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में। तो इसने 1,33,861 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। तो भाई ये था पूरा डेटा कि मार्च में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए, कार के लिए, टू व्हीलर के लिए कोई अच्छी और सस्ती एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।